मास गेनर्स कौन से बढ़िया रहेंगे, मास गेनर यूज करें या ना करें। बहुत ज्यादा लड़कों को मैं समझा चुका हूँ, पर अभी जैसे खास करके मैंने प्रमोट किया था मास गेनर, तो उसके बाद क्वेश्चन आने लगे मुझे बहुत ज्यादा कि सर आप कह रहे हो मास गेनर यूज नहीं करने, अब भी आप प्रमोट कर रहे हो। तो मैं आपको स्पेशली पूरा सा अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मास गेनर्स जो है वो वे प्रोटीन का मुकाबला नहीं कर सकते, पर मास गेनर जितने ज्यादा बढ़िया, ज्यादा जल्दी, बढ़िया तो नहीं मैं कहूंगा, जल्दी रिजल्ट देते हैं वो मास गेनर दे सकते हैं। उसके पीछे का कंसेप्ट ये है, क्यों? सिंपल कार्ब्स उनमें ज्यादा होती है क्वांटिटी, और खास करके जो ये बहुत सस्ते मास गेनर्स होते हैं उनमें तो मेन जो कंटेंट होता है वो सिंपल कार्ब्स ही होता है। सिंपल कार्ब आपको पता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कितनी जल्दी बॉडी में एक्ट वो करता है, कितनी जल्दी वो मतलब ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसके कारण वो ये एक्सेस कैलोरीज जो है वो एंड में फैट में ही कन्वर्ट होती है। तो बॉडी का मसल मास नहीं गेन होने वाला, वो फैट ही कन्वर्ट होने वाला, फैट में ही कन्वर्ट होने वाला। ये तो एक इसका रीजन हो गया मास गेनर क्यों नहीं यूज करने चाहिए। पर मैंने प्रमोट किया है तो आप बोलोगे कि सर आप पैसे ले रहे हो तो उनसे प्रमोट कर रहे हो। अब इसका आंसर देता हूं, मैंने जब भी मास गेनर को मैंने सजेस्ट किया है, मैंने हमेशा ये टर्म्स कंडीशन साथ में रखी है कि मास गेनर सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए, उन्हीं लड़कों को लेना चाहिए जिनका जो है, जिनकी हाइट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है। अंडर वेट लड़के, खास करके बीएमआई के तौर पे मैं कहूंगा, बीएमआई आप भी अपना नोट कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स उसको देखें, उसके हिसाब से अगर हम देखें आपकी हाइट के मुकाबले अगर आपका वेट नहीं वहां पे सूट बैठता, मतलब वेट कम है, अंडर वेट हो आप, फिर मास गेनर आप यूज कर सकते हो। क्यों? वो क्या वहां पे आपको मसल बनाएगा? तो नहीं, इसका आंसर ये नहीं है कि वो मसल बनाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आप थोड़ी, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी निखर जाएगी। देखो अंडर वेट जो होते हैं उनको हमेशा ही कॉन्फिडेंस उनका लेस रहता है, और कॉन्फिडेंस अगर कमी रहेगी तो मैं तो सबसे बड़ी चीज जो है वह सक्सेस की जो है कॉन्फिडेंस को मानता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है आपको कहीं भी किसी भी हाल में जीतने की ताकत देता है। पर अगर आपका कॉन्फिडेंस कम चले जाता है तो वहां पे आपका जीतने का भी मतलब बहुत कम चांसेस, मैं तो कहूंगा ना के बराबर चांसेस है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, अगर आपकी बॉडी थोड़ी भरी रहती है, अंडर वेट नहीं होते, आपका बॉडी वेट थोड़ा अच्छा रहता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, वहां पे वो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बूस्ट मिलता है, आप लाइफ में अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट देने के लिए, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी लुक देने के लिए, इसलिए मास गेनर यूज कर सकते हो आप वहां पे। पर अगर आप कहीं बॉडी बिल्डिंग का आपका टारगेट है तो वहां पे वो मसल बिल्डिंग वाला हेल्प कभी भी नहीं मिलने वाला मास गेनर से, क्योंकि इसका जो रेशियो रहता है ऑलमोस्ट 1:5 रहता है, मतलब कि प्रोटीन अगर 1 ग्राम है तो 5 ग्राम तक का कार्ब का रेशियो रहता है, तो वो कि बहुत गंदा रेशियो है। पर सिर्फ अंडरवेट लड़के इसको यूज करें, कोई बॉडी बिल्डिंग या जिसका बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जिसके बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, उसको मास गेनर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अब अंत में मैं बताऊंगा मास गेनर अगर यूज करने हैं तो, मैं पहले भी बता चुका हूँ आरसी किंग मास गेनर जो है वो बढ़िया रिजल्ट देता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अंडरवेट के ही लड़के जो है मेरे से भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो आरसी किंग मास गेनर और केविन लिवरोने का जो एनाबोलिक मास गेनर है वो बढ़िया रिजल्ट देता है। केविन लिवरोने में भी थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। बाकी अगर आपने इंडियन ब्रांड यूज़ करनी है तो वहाँ पे आप थोड़ा उसका प्रोटीन ज़रूर देखा करो कि कितना प्रोटीन उसके 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, या एक स्कूप में कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब मिल रहा है। ये चीज़ देखने के बाद ही आप कोई भी मास गेनर सजेस्ट करो या मास गेनर बाय करो। वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।